अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रयागराज के मेडिकल कॉलेज में मीडिया के सामने ही हुई गोलीबारी में दोनों भाई ढेर हो गए। सूत्र के माने तो अशरफ और अतीक को मीडिया कर्मी बनकर आए दो से तीन बदमाशों ने एक के बाद एक गोली मारकर हत्या कर दी है। दोनों पुलिस कस्टडी में थे, इसलिए कस्टोडियल डेथ के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या होती है कस्टोडियल डेथ और क्या इससे जुड़ा कानून। कस्टोडियल डेथ का अर्थ होता है जब किसी आरोपी या अपराधी की मौत पुलिस की कस्टडी में हो जाए या फिर मुकदमे की सुनवाई या न्यायिक हिरासत के दौरान हुई मौत को भी कस्टोडियल डेथ के तौर पर देखा जाता है। अतीक और अशरफ भी पुलिस की हिरासत में थे, इसी दौरान उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है, इसलिए इस मर्डर को कस्टोडियल डेथ के तौर पर देखा जा रहा है। इस हत्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे पुलिस बल का अत्यधिक प्रयोग, पुलिस की लापरवाही या फिर अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार किया जाना जिसके कारण आरोपियों को या अपराधियों को मौत हो जाए। अतीक वाले मामले में अब तक यह पुलिस की लापरवाही का मामला लग रहा है। आपको बता दें कि अगर केस में पुलिस की लापरवाही सिद्ध होती है तो पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 और 29 के तहत उन पुलिस अधिकारियों की बर्खास्तगी, दंड या विलंबन होगा जिन्होंने अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही किया है।